हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। माय नेम इज गौरव बंसल और मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर आपकी जो न्यू बुक सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कराई है क्लास ट्वेल्थ में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो आपकी सेकंड बुक है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम फर्स्ट बुक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बुक जो है आपकी टोटली कंसिस्ट करती है 14 चैप्टर्स में से हम आज बात करेंगे चैप्टर वन, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर वन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा था हमारा 3 और 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि भाई ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी हमारे देश की वो कैसी थी। बेसिकली इसमें जो है 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि मतलब जन्म दर और मृत्यु दर किस रेट से बढ़ रहा था। इनको कैलकुलेट किया जाता है पर 1000 के हिसाब से। उस समय जो हमारा जन्म दर था, मतलब बर्थ रेट जो था, वो था 48 out of 1000, और जो हमारा डेथ रेट था, मृत्यु दर था, वो था 40 out of 1000। सेकेंड पॉइंट जब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब समझेंगे, इसमें भाई जितने भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सारे इसमें काउंट होते थे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में। इसका भी मीजर करने का तरीका आउट ऑफ पर 1000 था। उस समय जो ये रेट था वो था 283 out of 1000। कहने का मतलब 1000 बच्चों में से जो 283 बच्चे थे 1 साल से कम उम्र के, उन्हें या तो जन्म से पहले ही मार दिया जाता था या उन्हें जन्म लेने नहीं दिया जाता था, और जो कुछ गलती से जन्म ले लिया करते थे उनको जो है जान से खत्म कर दिया जाता था बाद में। थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि भाई जो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, कि मतलब जीने का जो प्रत्याशी दर था वो कितना था, 32 ईयर्स। उस समय ये रेट कम इसलिए भी था कि भाई उस समय लोग जो है अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, और उस समय ना ही कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी। उस समय लोगों को ये है कि भाई जो काम मिल रहा है वही कर लेते थे और वो इम्पैक्ट की नहीं सोचते थे, तो ये भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रहने का एक रीज़न है कम। अब जो प्रेजेंट में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारा चल रहा है अप्रॉक्स 55 to 60 के बीच में। अब हम फोर्थ पॉइंट जो हमारा अगला है उसकी बात करते हैं, लिटरेसी रेट, कि मतलब साक्षरता दर। साक्षरता दर होती है किसी भी देश की, साक्षरता दर जब कहलाती है कि भाई जब उसमें देखा जाता है कि कितने प्रतिशत जो टोटल आबादी का एक हिस्सा है पढ़ा लिखा है। उस समय जो है 16% जो है हमारा लिटरेसी रेट था, जिसमें से जो हमारा टोटल 9% थे वो थे मेल्स और जो 7% थे वो थे फीमेल्स। एक कारण और भी रहा है लिटरेसी रेट हमारा कम रहने का, जेंडर इश्यूज़ से मतलब ये है कि भाई उस समय जो है सिर्फ मेल्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी एक्सेप्ट फीमेल्स। फीमेल्स को ये नहीं माना जाता था, कि अब उसमें ये कहा जाता था कि सिर्फ जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी को, मेल्स को ही आगे बढ़ने की आज़ादी है, जबकि फीमेल्स को जो है घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, और इनको ये नहीं माना जाता था कि भाई जितनी भी फीमेल्स हैं इनको ये मानना था कि आगे जाके ये कुछ नहीं कर सकती, तो इनका पढ़ाई लिखाई कराना बेकार है। तो बेसिकली जेंडर इशू भी एक कारण रहा है जिससे कि हमारा लिटरेसी रेट उस समय कम रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई उस समय जो है ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे पढ़ाई के लिए। नाउ अब हम जो बात करते हैं इसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मतलब जो हमारा व्यापारिक ढांचा था वो कैसा था ब्रिटिश शासन काल के दौरान। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो हमारा कृषि था वो हमारा एक तरीके से इकलौता ऐसा सोर्स था जिससे कि हम कुछ पैसे अर्न कर सकते थे। ऐसा इसलिए था कि भाई उस समय लगभग, जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा होगा, 72.7% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। ऐसा करने का कारण भाई उनका यही था कि भाई उनको एग्रीकल्चर के अलावा कुछ उस समय आता नहीं था। जबकि एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज जब हम देखेंगे तो उस वहाँ पे जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ये होता था कि टोटल आबादी के कुछ ही परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते थे। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं हम इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। उसमें टोटल 2% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था। सेम एज अमेरिका, सेम एज जापान में जो है 12% था ये। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंडस्ट्री ब्लीक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। दूसरा था हमारा उद्योग, जो कि हमारा जो है नाम मात्र का जरिया था ऑक्यूपेशन का। जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगी 10% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी वही सिर्फ उद्योगों में लगी हुई थी, और वो किस तरह का काम करते थे, माइनिंग का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का, यही काम करते थे वो। इनके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं आता था। जबकि एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज
डेवलपिंग कंट्रीज में उस समय जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्रिटेन, उस समय जो है 32% पॉपुलेशन जो है उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। ऐसा ही जापान, 38% पॉपुलेशन जो कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी इन्वॉल्व थी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई असंतुलित विकास। असंतुलित विकास हमारा जब होता है कि भाई जब हम एक चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाकी दो तीन चीजों पे कम ध्यान दे रहे हो, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है, यहाँ पे जो है प्राइमरी सेक्टर मतलब जो हमारा प्राथमिक उद्योग है उसमें जो है लगभग 72% आबादी जो है हमारे देश की उस समय इन्वॉल्व थी। सेकेंड जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है मतलब द्वितीय क्षेत्र है उसमें जो है लगभग 10% आबादी उस समय इसमें इन्वॉल्व थी। तीसरा जो हमारा टेंशनी सेक्टर मतलब जो तृतीय क्षेत्र है उसमें जो है लगभग 17% आबादी जो है हमारे देश की इसमें शामिल थी। कुल मिला के जो इनका जोड़ है वो बनता है 100%। अब इन असंतुलित विकास होने का ये सबसे बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। प्राइमरी सेक्टर ने जो है बाकी सेक्टर्स को जो है अलग थलग कर दिया था। प्राइमरी सेक्टर में जो ऑक्यूपेशन मेनली होता था वो था आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ने कहने का मतलब जो एग्रीकल्चर ने हमारी इकोनॉमी को जो है वन साइडेड बना दिया था कि भाई उस समय लोगों को ये मानना था कि हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और काम है ही नहीं और ना ही हमें कोई दूसरा काम आता है। और जो कुछ बचे कुचे लोग थे वो अलग अलग चले गए। कुछ जो है लगभग 10% यहाँ पे चले गए द्वितीय क्षेत्र में जिसमें कि सारा औद्योगिक काम होता था, और टेरिटरी सेक्टर जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें अलग अलग तरीके के काम होते थे सर्विसेज के, तो कुछ लोग उसमें चले गए। तो हमारा कभी भी जो है स्टेबल ग्रोथ जब भी होगी जब तीनों सेक्टर्स में हम इक्वल शेयर रखेंगे, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%। जब तीनों सेक्टर्स बराबर काम करेंगे तभी जाके हमारी जो है बैलेंस डेवलपमेंट हो सकती है। तो आप अब इसे नोट करेंगे आप 2 मिनट के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा पार्ट 4 में हम आ गए हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे इकोनॉमिक चेंजेस, कि मतलब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव सॉरी, कौन कौन से आए इकोनॉमिक चेंजेस। पहला इसमें आया है ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा रेलवेज। ब्रिटिशर्स ने 1853 में जो है रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, और रेलवेज को जो है इन्होंने अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया कि भाई बेसिकली ये जो चाहते थे यहाँ पे इंडिया में अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे। पहले क्या करते थे ये भाई कुछ स्टेट्स में ही काम कर पाते थे। जब इन्होंने देखा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है फिनिश्ड गुड्स की, तब इन्होंने जो है धीरे धीरे अपना रेलवेज का एक्सपेंशन नेटवर्क बढ़ाया और अपना ट्रेडिंग पैटर्न भी इन्होंने बढ़ाया। सेकेंड हम देखते हैं कम्युनिकेशन। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे हमें जो है कम्युनिकेशन के वेज बताए, जिसमें से एक बहुत बढ़िया सिस्टम था टेलीग्राफ सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड हमारा है बैंकिंग। ब्रिटिशर्स ने हमें एक न्यू चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया बैंकिंग, कि भाई बैंकिंग सिस्टम से आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हो, कि बैंकिंग सिस्टम में जो है अगर हम कोई ज़रूरतमंद भी है तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, बैंक के थ्रू हम उससे लोन ले, बैंक से हम लोन ले सकते हैं, बैंक में हम कुछ गिरवी रख के अपने या कुछ एसेट्स को बेच के उसमें सामान भी ले, बैंक से पैसे ले सकते हैं, ये सब। सेकंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं वो है हमारा सोशल चेंजेस, कि भाई जो समाज में बदलाव आए वो कौन कौन से बदलाव आए। पहला बदलाव देखते हैं कहाँ पे आया, एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों ने हमें जो है शिक्षा की काफ़ी सारी नीतियाँ यहाँ पे बताई, और काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है स्कूल भी खोले, जिससे कि कुछ लोग जो है उस समय एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ पाए, पर उसमें से कुछ ही आगे जा पाए और कुछ जो है बहुत पीछे रह गए, और कईयों को तो यही नहीं पता था कि भाई इस एजुकेशन सिस्टम का जो है फ़ायदा क्या है। सेकंड हेल्थ। ब्रिटिशर्स ने जो है हेल्थ इंप्रूविंग कंडीशंस के ऊपर भी काफ़ी सारे ध्यान दिया। इन्होंने जो है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और जो है क्लिनिक्स का यहाँ पे जो है ओपनिंग करी, और लोगों को बताया कि भाई कौन सी बीमारी के लिए किस किस प्रकार का इलाज किया जा सकता है या हो सकता है इलाज। थर्ड टाउन प्लानिंग। सबसे बढ़िया बात जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बोली कि भाई टाउन प्लानिंग था भी नगर नियोजन। जितने भी आज आप टाउन्स देख रहे हैं, जो भी आज ये आप टाउन प्लानिंग देखते हैं, ये सब ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटिशर्स ने ही हमें सही तरीका बताया टाउन को बसाने का, कि भाई कौन से पैटर्न पे कौन से साइड से जो है स्ट्रीट्स जाएंगी और कौन सी जगह कितनी ऊँची बिल्डिंग्स होनी चाहिए और बिल्डिंग्स में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब हमारा जो देन थी ये थी ब्रिटिशर्स की। तो टाउन प्लानिंग इनका एक बेस्ट एग्जांपल था जो कि इन्होंने हमें दिया। नाउ हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल।
ऐसा ही नहीं है कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमें ही सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले, ऐसा नहीं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे जो हमें यहाँ पे देखने को मिले। फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का केंद्रीकरण, अंग्रेजों ने जो है इसको करके बहुत बढ़िया काम किया। अब इससे पहले जब तक कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का नहीं हुआ था, तब तक ये माना जाता था कि भाई किसान जो है सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही क्रॉप्स उगाते थे और उसी को कंज्यूम कर लेते थे। पर जब ब्रिटिशर्स ने जो है एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया, तब भाई जो है लोगों फार्मर्स की सोच में अचानक से परिवर्तन आया इस पॉलिसी के बाद, कि भाई अब जो है कृषि एक पैसे कमाने का जरिया भी है, ये नहीं है कि हम जितना उगाएंगे उतना खाएंगे, नहीं। अब फार्मर्स ने क्या सोचे कि भाई जो ये कृषि है वो एक पैसे कमाने का जरिया है, क्यों ना हम ऐसी क्रॉप्स उगाएं जिससे बेचकर हमें पैसा मिले, लाइक जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। तो ये सबसे बड़ी देन थी हमारे ब्रिटिशर्स की कि भाई इसने जो है इस पॉलिसी ने एकदम से काफ़ी सारे फार्मर्स की सोच का नज़रिया बदल दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड रोड्स। सेकेंड पॉइंट हमारा ये जो गुड इम्पैक्ट हमें मिला यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का विस्तार और सड़कों का विस्तार। होता क्या था कि भाई रेलवेज जो तो ज़्यादातर जो है ब्रिटिशर्स ही यूज़ करते थे, पर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के उस समय लोग थे या इंडियन ट्रेडर्स थे, उनको ट्रेन इस्तेमाल करने की परमिशन बहुत ही ना के बराबर मिलती थी, तो इसलिए वो किसका इस्तेमाल करते थे, रोड्स का। तो ऐसा होता था कि अगर ट्रेन की परमिशन मिल जाती थी तो ठीक था, नहीं तो वो रोड्स के इस्तेमाल से जा सकते थे, पर रोड के थ्रू जाने में टाइम ज़्यादा लगता था जबकि ट्रेन से जाने में समय कम लगता था, तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक बाद में हमें पता लगा। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे जो इन्होंने हमें दिया कि भाई इन्होंने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के वेज को इम्प्रूव किया। जैसे कि मान लो अगर देश के किसी भी कोने में अगर सूखा वगैरह पड़ जाए या बाढ़ आ जाती थी, तो हम रेलवेज या रोड्स के थ्रू या ऐसे ऐसे जो उस समय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, उससे हम जो है अलग अलग जगह सामान पहुँचा सकते थे, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो पीने का सामान हो, चाहे वो काफ़ी सारे कपड़े हों, दवाइयाँ हों, ये सब हम इजीली वहाँ पे पहुँचा सकते थे, कि मतलब इससे एक दूसरे स्टेट्स की जो है मदद करना आसान हो गया। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे जो बेटर गवर्नमेंट को रन करने का सिस्टम जो इन्होंने बताया, वो बताया ब्रिटिशर्स ने कि भाई इंडिया जाते जाते ये इंडिया को एक ऐसा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे गए जिससे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया जो है स्टेबल हो सके, कि मतलब ये एक तरीका बता गए काम करने का कि भाई आप जो है अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो किस किस तरीके से आप गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसमें आप क्या क्या पॉलिसीज लाएंगे और क्या क्या पॉलिसीज से आप कंट्री को रन करेंगे, कि भाई अगर आप कोई भी पॉलिसी लाए हो तो आपकी मर्जी है कि आप पब्लिक के बीच में उसको रेफरेंडम कराना चाहेंगे कि नहीं, और भी बहुत कुछ था। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा एंड होता है, और आई होप कि आपको जो है ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारे चैप्टर का जो है एंड होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।